2013 के इलेक्शन के बाद असी इसी पिंड आजम खान शहर सब अपने दोस्तों नु बुलाया, उन्होंने असी ये वादा किया कि जीतिए या हारिए इंशाला तहसील पिंड आजम खान के लोगों के नाल मेरा रिश्ता खत्म नहीं होगा और एक सियासी ताल्लुक बनावांगा। सियासी ताल्लुक के ऊपर यकीन नहीं है, एक जाति ताल्लुक के ऊपर यकीन है। और हम जो मैं पहला आया था उदो मैं एक बिल्कुल अजनबी की हैसियत नाल आया था, आज जो मैं आना इतने के वसनीक की हैसियत नाल आना, इतने अपने घर को मेरे थे थोड़ा जावा पिंड आजम खान शहर जाइए, हल जाइए, जालम जाइए, बाकी तहसील जाइए, बिल्कुल उत्थे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे अहबाब हैं कि जिन्होंने मिल के बस यही लगता है कि अपने घर बैठे हुए ए और रिश्ता से जरा मैं बनाना चाहता सा। और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की मेहरबानी के नाल इस तहसील के लोगों नाल यह रिश्ता मैं बना लिया हूं। जो मैं इलेक्शन इस पास इलेक्शन का टिकट जरा मैं मिलिया पहली दफा 2016 मिलिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इमरान खान साहब ने मेहरबानी की, मैं थोड़े न दो गल मैं क्या कि इतने इंशाला तला दो वादे मेरे थोड़े पक्के, एक वादा यह है कि किसी को यह गिला नहीं होगा कि असेंबली दे विच या पाकिस्तान दे विच जेलम की आवाज नहीं, आज अल्हम्दुलिल्लाह जड़ा भी फैसला होंगे पाकिस्तान दे विच कश्मीर का हो या साडे अंदरूनी मामलात का हो, कौमी असेंबली की बहस होए या कोई और डिबेट होए, आज अल्लाह के फजलो करम के नाल उहदे सब तो वड्डी और सब तो ताकतवर आवाज जिला जेलम की आवाज उहदी वजह है, उहदी वजह है कि मैं जो उत्थे वजीर आ या MLA आ या इस्लामाबाद चाह ये जी पग मैं उत्ते पाना है थोड़ी दिखी हुई है थोड़ी अमानत और मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं थोड़ी इज्जत का इजाफा करा। और मैं यही गल पहला भी की थी कि जड़ा नुमाइंदा है उसका कद होना चाहिए, उसका कद होगा वो अपनी लत्तों से खड़ा होगा तो थोड़ा कद बता सकेगा, जो तुम बोलना अपने कदाड़िया से चढ़ा के उसका कद वड्डा करना तो जो तुम थले लाना उन्हें तो बोलना ही रहना, लिहाजा इतों जड़े इलेक्ट होते रहे पहले वो सियासी तौर पर बोलने इस वास्ते उन्होंने कोई ना सूबे च कोई हैसियत सी ना मरकज कोई हैसियत सी, आज अल्हम्दुलिल्लाह।